अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई आपको बताने वाले हैं, ख़ास तौर से उन मर्द हजरात के बारे में जो बहुत ही जल्दी से जो है फारिग हो जाते हैं, और इसके अलावा अज़ाए तनासुल के अंदर सुस्ती बहुत ज़्यादा है, लूजनेस है और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। जो है अज़ाए तनासुल सुस्त हो गया है, और एक बार हम बिस्तरी करने के बाद जो है दोबारा बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, इस तरह की कंडीशन हो गई है। तो ये वीडियो ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए, जब आप इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एक नई फुर्ती और जोश आएगा, ये आपके पावर स्टेमिना को बढ़ाएगा, साथ साथ जो है आपकी जो इरेक्शन की समस्या है उसको ठीक करेगा, और जल्दी से जो है फारिग होने की परेशानी है तो उस जैसी कंडीशन को में भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दवाई दिखाऊंगा, और एक आपको मैं तिला दिखाऊंगा इसमें, जो कि आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों, इसके अंदर है माजून शान मर्द। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है माजून शान मर्द, ये जो है मैंने इसमें रेगुलर लिया है, हालांकि इसमें स्पेशल भी आता है लेकिन वो ओनली बस जोश के लिए आता है, क्योंकि ये जो है ये माजून शान मर्द जो रेगुलर है ये जल्दी से फारिग होने की समस्या में भी काम करता है, मनी को जो है गाढ़ा भी करता है। तो इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, बाजी कारक होता है, स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है और धातु को जो है पुष्ट करता है, तो ये बहुत लाजवाब चीज़ है। इसके अलावा माजून आरत खुरमा ये मैंने इसके अंदर लिया है, ये मनी के पतलेपन की समस्या को ठीक करेगा, तो ये भी दोनों एक जगह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके ही दोनों को लेना है। अब लेना कैसे है मैं आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो है, अब हम लेंगे हब्बे जद्वार। हब्बे जद्वार जो है बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव दवाई है, और ये 20 टेबलेट का पैक होता है हब्बे जद्वार का, हमदर्द का मेरे पास में है, बाकी सभी कंपनियाँ इसको बनाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और जो एक पावरफुल दवाई होती है हब्बे जद्वार, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और जो चौथी दवाई है वो है तिला वाजिद अली शाह, ये एक तिला होता है जो है एक तरह से पेनिस पर मालिश के लिए होता है, यानी जो सुस्त पड़ जाती है नसें और नसों की कमजोरी हो जाती है और पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो उसमें जो है एक तरह का ऑयल होता है, मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अज़ाए तनासुल पर मालिश की जाती है इसकी। तो इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कैसे इस्तेमाल करना है। दोनों माजून एक जगह मिक्स कर लिए, सुबह शाम एक एक चम्मच लेंगे, नीम गर्म दूध के साथ में ले लीजिएगा। हब्बे जद्वार की एक एक गोली आपने सुबह शाम लेनी है, और इसके अलावा ये जो तिला है तिला वाजिद अली शाह, इसको जो है रात में आपने मालिश करना है, जो है अपने अज़ाए तनासुल पर मालिश करना है, जो है आगे का हिस्सा छोड़ के पीछे पीछे इसको मालिश करना होता है, रफली 5 से 7 मिनट मालिश करें, और 5 बूंद या 7 बूंद लेकर इसको जज्ब हो जाए बूंद, तो उसको बस इतना ही मालिश करना होता है। तो ये मालिश करने का तरीका होता है दोनों साइडों में, और ऊपर इसको मालिश किया जाता है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी देखने को मिलते हैं। नसों की कमजोरी, नसों का ढीलापन, जिन मरीजों ने खास तौर से मुस्तजनी का शिकार रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये काम करता है। मुस्तजनी के कारण जो नसें जो लूज पड़ गई हैं, ढीली हो गई हैं, तो उनके अंदर कमजोरी आ गई है, इस तरह की कंडीशन में बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित होता है। तो ये तरीका इस्तेमाल है इसका, और आप जो है अगर आपने मुस्तजनी लंबे टाइम की इस तरह की कंडीशन रही है तो आप इसको जो है तिले को ज़्यादा फिर दोनों टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप एक टाइम इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मली भी अगर आप बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी हो तो उसमें भी काम करेगा। तो ख़ास तौर से उन वो मर्द हजरात जो किसी भी कारण से जो है सुस्ती का शिकार हैं और जल्दी से फारिग होने की समस्या है, इस तरह की कंडीशन का शिकार हैं, तो वो इस पूरे एक कंप्लीट कोर्स का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। लगातार कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम जो इसको है 1.5 से 2 महीने इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा, ख़ास तौर से उन मर्द हजरात के बारे में जो किसी भी तरह की कमजोरी से परेशान है ख़ास तौर से, और अज़ाए तनासुल की सुस्ती इस तरह की कंडीशन है। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।